दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के रियो नेग्रो के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वहां के प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। जंगलों में लगी यह आग अब तक हजारों हेक्टेयर के इलाके को जलाकर राख कर चुकी है। वहां ये आग कुछ दिनों पहले भड़की और तेजी से फैलती चली गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग में घिरा दिखाई दिया। बेकाबू आग सबको जलाने पर अमादा दिखी। हरे भरे पेड़ लपटों से धधक रहे थे और जगह जगह से धुएं का गुबार उठ रहा था। वो धुआं भी ऐसा जैसे कि बादलों ने उस इलाके को पूरी तरह से ढक लिया हो। ये आग पहाड़ियों और घाटियों में लगी थी। फायर ब्रिगेड के लिए वहां तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों और विमानों की मदद ली गई। धधकते जंगलों पर पानी और केमिकल की बारिश की गई ताकि इसे जंगलों के बाकी हिस्सों तक फैलने से रोका जा सके। बताया गया कि फायर ब्रिगेड की कई टीमें दिन रात एक कर रही हैं, लेकिन सूखे मौसम की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। इसी वजह से प्रशासन की तरफ से लोगों को जंगलों से दूर रहने की चेतावनी भी जारी की गई।